पहुंच चुके हैं रोवर खेप, और ये पड़ता है गुच्छू पानी के अंदर। और इसकी जो डिटेल्स है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो डिटेल यहाँ पर दी हुई है। और देखिए सामने का व्यू कितना काफ़ी, क्योंकि वेकेशन आज भी ऑफ है, ईद की छुट्टी है, और लंबा फिर वेकेशन, एक ज़्यादा लंबा वेकेशन पड़ रहा है, तो काफ़ी सारे लोग आज आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए व्यू देखिए, तो यहाँ पर टिकट काउंटर है, और ये है रोवर खेप। तो ये है रोवर खेप, और ये देखिए उत्तराखंड का चेहरा। और टिकट काउंटर है सामने, और यहाँ से देख सकते हैं ऋषिकेश से 54 किलोमीटर, इकमाल से जीत पार्क 0.5 किलोमीटर, संस्कारा 15 किलोमीटर, एफ आर आई जो है 12 किलोमीटर, 26.6 किलोमीटर, साइड टेम्पल 8 किलोमीटर, और मसूरी लेगी 21 किलोमीटर। और सारी वीडियोज आपको दिख जाएगी, और हम आप एंटर होने वाले हैं रोवर केप के मेन गेट पे। तो पर पर्सन यहाँ पर है 33 रुपये। तो गाइस अब हम पहुंचे हैं रोवर कैब के अंदर, एंट्री कर रही है, और देखिए कितने सारे लोग आज आए हुए हैं। और ये हमारे सुमित, हेलो, वेलकम टू रोवर कैब। ये है अभिषेक, और ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े बास बैम्बूस लेना, ठीक है। यहाँ पर किड्स के लिए काफ़ी सारे झूले वगैरह के भी लगाए गए हैं, ताकि छोटे बच्चे अपना आप यहाँ पर इंजॉयमेंट वगैरह कर सकें, और खाने पीने के लिए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट वगैरह भी है अंदर। और यहाँ पर देखिए फूलों वगैरह यहाँ पर मिल रहा है, चलो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। तो देखिए पूरे घने जंगलों के बीचों में है, फर्स्ट टाइम ये विजिट है, तो अगर आप लोग भी आए हैं तो एक बार बताइए कैसा लगा आपको यहाँ पर वाटर रिवर रोवर केव। क्या
तो देहरादून की फेमस लोकेशन में से एक है, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने नहाने धोने पर आए हैं। वो लड़के कहाँ हैं? तो जो गुफा है वो रोवर केव की यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर देखिए आज कितने सारे लोग आ चाहे हुए। तो अब हम भी एंटर करने वाले हैं। वही सब देख सकते हो तो आज कितनी ज़्यादा भीड़ है, और हम भी अब इसी भीड़ का हिस्सा बनने वाले हैं। सारे के सारे ऐसा इधर डेली इंसर के सारे लोग यहाँ आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि व्यू बहुत प्यारा है। तो अभिषेक भी आप पानी कितना ठंडा है यार, पानी कितना ठंडा है। तो पानी तो यार बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह है रोवर के देखे कितनी भीड़, ऐसा लग रहा पूरा दिल्ली कई सारे लोग आ जा रहे हैं। व्यू देखिए दोनों पहाड़ों के बीचों में से जो पानी आता है वो होता है पूरा पूरा, और हल्के हल्के आप हम भी उन पहाड़ों के बीच में एंटर कर लिया है। और हमारे अभिषेक भाई बहुत ही स्मार्ट है, तो बहुत सारे महाकाल के भक्त भी आए हैं आज यहाँ, महाकाल के भक्त भी बन के आए हैं बहुत सारे लोग आज। ये देखिए दोनों पहाड़ों के बीच में से काफ़ी हाइट है ये देखिए, क्या जबरदस्त। हम भी एंटर हो गए हैं देखिए दोबारा, तो काफ़ी संगरी होती जा रही है आगे, यहाँ से काफ़ी चौड़े थे बट आप आगे जितने जाओगे काफ़ी गहरी होती जा रही है। तो हमारे अभिषेक भाई आप कौन है, तो आप बताओ आप कौन था, हम बताओ। अब जो पानी का लेवल है वो बहुत बहुत ऊपर तक आ रहा है, ये पानी का लेवल कितने ऊपर तक आ रहा है। ऊपर का लेवल अब बढ़ता रह रहा है, एक साइड से आना और पानी का लेवल हल्का क्या बढ़ता रह रहा है।
पानी का लेवल हल्का क्या बढ़ता जा रहा है। अरे मम्मी को और देखिए सुमित और मैं अच्छा मैं यहाँ अकेला कह रहे वो देखिए व्यू देखिए अपनी यार कितना बढ़िया व्यू है दोनों पहाड़ों के बीच में से और भीड़ यहाँ काफ़ी है आगे को जितना हम आगे जाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है और जो तो बहुत लोगों का फोटो शूट भी चल रहा है छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए जो पानी ऊपर से घिसते हुए यहाँ पर आता है तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर तैर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर तैर रहे हैं और सबको रोक देना एक मिनट के लिए ये देखो हेलो नेचुरल स्रोत जैसे ये यहाँ से निकल रहा पानी ऐसी काफ़ी जगह से नेचुरल बचा के रिसाव होता है यहाँ से पहाड़ों के देखिए रिसाव हो रहा है देखिए जगह जगह से रिसाव होता है पानी और उसके और अब थोड़ा सा गर्म पानी स्टार्ट हो रहा है काफी सारी जगह पे बहुत सारा मेरी ये पत्थर दोनों पत्थरों के बीच में खड़ा हुआ है तो ये बहुत डेंजर भी है वैसे तो लेकिन ना
देखिए कैमरामैन को क्या क्या करना पड़ता है। बहुत इजी तरीके से देखिए तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एक स्लिपरी है, रिश्ते जाती वाली है, काफी सारे लोग आ रहे हैं। अभिषेक बिना चप्पल के ज्यादा इजी रहे बहुत इजी तरीके से। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है खेलने को। अभी यहाँ सांप आया था, साफ़ तो लोगों को बहुत दहशत हो गई थी। और यहाँ से स्टार्ट होती है ये जो पानी का रिश्ता हुआ है। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ को, अब तुम चलो। अच्छा मैं चलूँ, मेरी बनाना पहले, ठीक है। शिवराज आराम से कहीं पैर स्लिप करे। तो ये जो देख रहा हूँ ऐसे ऐसे जगह से निकल के जाना पड़ रहा है। ओपन एरिया भी मिलेगा तो मजे चलो सही। अरे लोग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर।
छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पर। पहले ऊपर से नीचे आने दे, एक एक करके। हमारे सुमित ये कहाँ कहाँ से व्यू कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। और ये रोवर के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से व्यू देखे हैं। तो वैसे यहाँ से भी जाने का रूट है, चलना पड़ता है और आपको आराम से बैठना तो काफी सही छोटी डायरेक्ट यहाँ से वहाँ को दो ना है नहीं यहाँ पे अजीत स्मेल नहीं आ रही। हेलो हेलो भैया के फैन है, लाइक सब्सक्राइब। ये स्वीटू है भैया, ये स्वीटू है वो, ये स्वीटू कौन सा नाम है भैया? ये आएगा सीबीटी कार बाइक ट्रैवल। ओके ओके सीबीटी ने करके आ गए थे। कैंटीन आगे, कैंटीन है दो 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 मीटर आगे। यहाँ पर भी सारी चीज़ अवेलेबल मिल हो रही है। देखिए कितना पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत दूर है। भाई साहब आपको कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस यहाँ का? बहुत बढ़िया लगा, वेरी नाइस। चलिए थैंक यू।
कैसा लगा भैया अंदर का व्यू आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। मजा आया। रोवर के में यार आकर मज़े ही आ गए, मतलब उसका भी बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ आने का। मतलब ऐसी चीज़ काफ़ी कम जगह देखने को मिलती है। तो कैंटीन है बस वहाँ पर, मैं वहाँ पर देख कर आई हूँ। बहुत दूर से अभी और देखिए ऊपर से बड़ी बड़ी बेलें इसी पेड़ों से ऐसे आ रही हैं, बिल्कुल नेचुरल। तो ये छोटी सी कैंटीन है, कभी कभी ओपन होती थी, इसका अलग ही सेक्शन बनाया हुआ है। अब यहाँ से जो पानी का लेवल है वो कम हो गया दोबारा से, और आगे आगे है कैंटीन। इतना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा व्यू है। शेर का जंगला बहुत जबरदस्त, एकदम डरावना लग रहा है। तो यहाँ पर एक कैंटीन भी है, अभी थोड़ी देर में आपको तुम्हारा दिखाता हूँ। और ये जो रोवर कैब है उसके लास्ट व्यू बहुत Okay.
यार झूठ बोल रहे थे यार क्या साहब है मिला था यार भूख भी लगी थी इस पॉइंट का काफ़ी कम लोग आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इनको पहाड़ी रास्ता चढ़ने की आदत वगैरह है वो ही लोग यहाँ पर आते हैं बाकी ये अब इनको एंड पॉइंट के हम की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत बहुत तो बिल्कुल एंड पॉइंट पहुँच गए हैं अब यहाँ से जो है कि यहाँ तक ही दोनों रहती है और आगे अब थोड़ा सा यहाँ से खुला खुला सा दिखने लग गया है तो और यहाँ से पूरा ओपन हो जाता है कि एंड पॉइंट ये इसका एंड पॉइंट है तो ये है रिवर रोवर केव का एंड पॉइंट तो अब एंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं हमारे सारे साथी और ये है रोवर केव्स का एंड पॉइंट फाइनली वी आर काफ़ी सारे लोग मना कर रहे थे कि यहाँ तक नहीं हो पाएगा लेकिन हमारे सारे लड़कों ने पूरा कर डाला है।